सरकार पंजाब विच किसे भी पार्टी दी रही होवे पर किसानां दे सिरों करजे दी पंड कोई भी सरकार नहीं ला सकी है। नतीजा यह निकलिया कि घरां दे घर यह कर्जा खा चुके है ते सरकारां हरेक पंज साली ओही राग अलापदियां रहिंदियां हन कि असीं किसानां दे ज़्यादा हितैषी हां। पर जे किते सरकारां इन्नियां ही किसान हितैषी हुंदियां तां रूपनगर दे पिंड खैराबाद दा किसान सल्फास खा के जिंदगी नूं अलविदा ना कहिंदा। इस 61 साला किसान स्वरण सिंह पुत्र अमर सिंह दे पुत्र हरमीत सिंह ने कहा कि उन्हां कोल 2.5 एकड़ दे करीब जमीन है अते उस दे पिता ने एक प्राइवेट बैंक तो करीब 3 लाख रुपए का कर्जा लिया सी, जिस दी एक किश्त टूटन कारण बैंक वालियां ने रिकवरी लई घर आना सी ते बैंक वालियां दे आउण तो पहला ही उस दे पिता ने सल्फास खा ली अते अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मेरे थोड़ा जा डिप्रैशन च रहा, थोड़ा जा कर्जा भी लिया वा जी, तो हो गए 3 साल तो लिया वा, एक किश्त रही सी, किश्त लई सी, आनी सी देनी सी अभी, ता करके अज उन्होंने बैंक वाले ने घर आना सी, इसलिए वह थोड़ा डिप्रैशन ज़्यादा आ गए। तो मैं ड्यूटी गया वा जी, तो छोटा भरा खेतों वाल गया वा उधर, उन्होंने करके बाद पिछों पता लगे भी उन्होंने इदा कर लिया दवाई खा ली। किन्ना करजा सी, कितनी देर तो नहीं दे पा रहे? करजा तो देता नाल दी नाल रहे सी, एक किश्त सी जिहड़ी इह वाली सी, ते 3.5-3.5 लाख रुपया करजा सी। हालांकि पुलिस ने मृतक स्वरण सिंह के परिवारक मैंबरां दे बयानां तो बाद 174 की कार्रवाई करते हुए मृतक का पोस्टमार्टम कराउण तो बाद लाश वारसां दे हवाले कर दिती है। मृतक का अंतम संस्कार भी कर दिता गया। हैरान करन वाली गल है कि कांग्रेस सरकार ने इसे दम ते सत्ता दी कुर्सी हासिल कीती सी कि वह किसानां दे सारे कर्जे मुआफ करेगी, पर सरकार अपना पूरा कार्यकाल भोग के भी किसानां दे सिरों यह कर्जे नहीं ला सकी। हुण भी चोणां लड़ रहे तकरीबन सारियां पार्टियां दे लीडर किसानां दे हक विच भुगतण दे लारे ला रहे हन, ते दूजे पासे यह भी रोना रोया जांदा है कि पंजाब दा खजाना खाली है। जे खजाना खाली है तो लोगों नाल कीते जा रहे वादे केड़े खाते चो पूरे कीते जाणगे? इन्हां विच एक वादा किसान कर्जा मुआफी दा भी है जिहड़ा हुण तक लारा ही साबित होया है। जे सच्चाई कुछ होर हुंदी तां किसानां नूं इस तरह के आत्महत्या वाले कदम ना चुकने पैंदे। रूपनगर तो सज्जन सिंह सैनी की रिपोर्ट।